You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में जो है मैं आपको शेयर करूँगी एक पार्टी मेकअप, ठीक है जी। तो आज जो है मुझे एक इवेंट में जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को जो है एक व्लॉग शेयर करूँ, ठीक है जी। सो मैं आपको आज प्रॉपरली जो है पार्टी मेकअप करना सिखाऊँगी, बताऊँगी किस किस तरह से आपने करना है और स्टेप बाई स्टेप जो है मैं आपको लेके चलूँगी, ठीक है जी। तो प्रॉपर वे में हम लोग एक बहुत अच्छा सा पिंकी सा मेकअप करेंगे, क्योंकि मेरा पिंक ड्रेस है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से करते हैं स्टार्ट अपना व्लॉग। अच्छा जी, तो पहले हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे प्राइमर, ठीक है जी। ये जो है मैं स्किन बेबी का जो है प्राइमर ले रही हूँ, और प्राइमर जो है आपका कोई सी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इससे जो है आपकी बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, और जो है अगर आपका फेस ड्राई है तो आप जो है कोई भी लोशन या कोई भी अच्छे सा मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने जो है रोज़ वाटर अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद प्राइमर इस्तेमाल कर लिया था। अच्छा जी, ये जो है क्रायलॉन की स्टिक है और मुसर्रत मिसबा का फाउंडेशन है। सो हम जो है दोनों मिक्स करके अपनी बेस बनाएंगे। क्रायलॉन और मुसर्रत मिसबा बहुत अच्छी कवरेज देता है। अच्छा जी, क्रायलॉन का ही कंसीलर है, ठीक है जी। येलो शेड में है ये। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपने डार्क सर्कल जो है उसको कंसील कर लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है जी। तो ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, बट मैं कंसीलर इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको हम सेट करने के लिए जो है अपना कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है जी। एसटी स्वीट टच का ये कॉम्पैक्ट है, आपने ये अप्लाई कर लेना है ताकि आपका कंसीलर जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए, और इसके बाद जो आप बेस बनाएंगे ताकि वो उसमें मिक्स ना हो जाए, ठीक है जी। कंसीलर करने के बाद आपने पाउडर लाजमी लगाना है, वरना आपकी बेस और आपका कंसीलर जो है वो मिक्स हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आइस कंसील करने का, ठीक है जी। ये हो गया है डन। अब जो है हम लोग अपनी बेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्रायलॉन की स्टिक है, एवरीज का शेड है। इस तरह से ये अप्लाई कर लेंगे। अच्छा जी, विंटर में जो है आपको अच्छी तरह से अपना फेस जो है मॉइस्चराइज और प्राइमर की नीड पर लगती है, बट समर्स में जो है हमारी क्रायलॉन की स्टिक ऑलरेडी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो आप लोग जस्ट प्राइमर लगा के जो है ना अपनी बेस बना लें, ठीक है। मुसर्रत मिसबा का फाउंडेशन और जो है क्रायलॉन की स्टिक दोनों ही मैंने एक साथ अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, और मैं जो हूँ फिंगर की हेल्प से ही अपनी बेस को सेट करती हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि पफ में जो है एक तो अच्छी तरह से आपकी बेस जो है वो सेट नहीं होती है, और सारा फाउंडेशन और स्टिक आपकी पफ में ही लग जाती है। सो मैं फिंगर की हेल्प से जो है अच्छी तरह से हर जगह से इक्वली अपनी बेस को करके और जो है सेट कर लूँगी, ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत इजी वे में हो जाता है। आइस के पास जो है अगर आपको कम बेस लगे तो आप लोग ऐसे फिंगर की हेल्प से थोड़ी थोड़ी बेस लगा के सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने बहुत लाइट मतलब हाथ से आपने बेस बनानी है। ये नहीं कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो वो मतलब लुक रुक ही नहीं पा रही है, लग ही नहीं पा रही है। बहुत सॉफ्ट आपने अपने हाथ रखने हैं और आपने अच्छी तरह से पूरे फेस में जो है सेट कर लेने हैं, देन आपने फिर फेस पाउडर अप्लाई करना है जो भी आपका कॉम्पैक्ट है। तो मैं ये पफ की हेल्प से देखें अच्छी तरह से फेस पे लगा रही हूँ, देन इसके बाद जो है अच्छी तरह से देखें आपने अप्लाई कर लेना है इसको, क्योंकि इसी से ही आपकी बेस जो है वो सेट होगी।
अब जो है हम लोग ब्रश की हेल्प से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हम डस आउट कर लेंगे, ठीक है जी, इस तरह से। जो भी हमारा एक्सेस पाउडर है उसको हम डस आउट कर देंगे। और ये बेस बनाने का बहुत इजी वे है, ठीक है, आपने और कुछ भी नहीं करना है, आपकी बहुत परफेक्ट बेस जो है वो बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, अपनी आईब्रो को नीट कर रही हूँ, ठीक है। ब्राउन इसका शेड है, बहुत से लोग जो है ब्लैक कलर भी लगाते हैं, बट उससे जो है ना आपका बहुत शार्प फेस लगता है, इसलिए मैं जो हूँ ब्राउन ही आई पेंसिल यूज़ करती हूँ, इससे आपका जो है सॉफ्ट लुक लगता है फेस का। तो इसको हम अच्छी तरह से लगा लेंगे, फिर इसके एंड में ही ब्रश से हम सेट कर लेंगे, ठीक है जी। ये काशीस की जो है किट है, ठीक है, आई शेड किट है, बहुत आउटस्टैंडिंग इसके रिजल्ट्स हैं। तो हम जो है अपने सॉकेट एरिया में जो है सबसे पहले अपनी आई को जो है ब्राउन शेड से कवर करेंगे, लाइट ब्राउन, ठीक है जी। आपने सबसे पहले जो है ब्राउन शेड ही अप्लाई करने होता है ताकि आपकी आईज़ जो है वो इनहेंस हो जाएं। तो अच्छी तरह से हम इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मैं जो हूँ बस सॉफ्ट मेकअप करने लगी हूँ, मैंने ज़्यादा हार्ड मेकअप नहीं करना है क्योंकि मेरा ड्रेस जो है वो पिंक है, इसलिए जो है ज़्यादा डार्क कलर नहीं लगाए। अच्छा जी, मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि बीच में जो मैंने ये लाइनर लगाया है मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि मुझे लेट हो रहा है और मैं बहुत जल्दी जल्दी से मेकअप कर रही हूँ और जो है सब मुझे पीछे से आवाज़ें लगा रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। खैर, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने आईलाइनर लगाया है जस्ट, और लाइट सा जो है आई शेड लगा लिया है पिंक कलर का। देन मैं अपनी आईब्रो सही से सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा जो है इसमें पाउडर लग गया है, ठीक है जी। और जो है इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, प्रॉपर आप लोगों को मेकअप का व्लॉग एक शेयर करूँगी। अभी तो मैं बहुत लेट हो गई थी तो मैं सही से शूट नहीं कर सकी। आई होप कि आप लोगों को बेस बनाने का प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो अब जो है हम लोग लोशन लगा लेंगे, ये भी काशीस का है, ऑलमोस्ट मेरे पास काशीस की चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो ये था मेरा फाइनल लुक, ठीक है जी, और ये है मेरा मेकअप, देख सकते हैं आप लोग, और ये था मेरा फाइनल लुक, ठीक है जी। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing.